आपको एक मजे की बात बताता हूँ। थोड़े समय पहले एक क्लोथिंग ब्रांड थी, ठीक है, वो क्या करते थे, उन्होंने राधा रानी को कृष्ण को इतने गंदे तरीके से पोर्ट्रे किया, अष्ट सखियों को इतने गंदे तरीके से पोर्ट्रे किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ। एक क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने राधा रानी को गंदे तरीके से पोर्ट्रे किया। 10 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, 10-15 दिन पहले, और मैंने बताने की कोशिश की भैया ये जो कर रहे हैं ये बहुत ही बकवास है, बहुत ही घटिया है। फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए, लोगों ने आवाज उठाया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाया, बहुत अच्छा लगा देख के। पर इन्होंने क्या किया, 2 फोटो सिर्फ हाइड कर लिया, लोग उसमें खुशियां मनाने लगे। बट हमारा मुद्दा ये था कि हमें सिर्फ वो 2 फोटो डिलीट नहीं करवाना था, हमारा था कि उनको ये पूरा टेक डाउन करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, आजकल सनातन धर्म को नीचे गिराने के लिए लोग एकदम भरे बड़े हैं, लोग बैठे हैं, कब मजाक उड़ाए, और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी है, हमें पता ही नहीं चलता कि लोग कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे। निशान प्रभु ने एक वीडियो बनाई और फिर हमने सबसे अपील किया कि अगर अब कोई भी साधु संत, जो भी साधु संत इस विषय पे बात नहीं कर रहा है, मैं उन साधु संतों को भी नहीं मानूंगा। क्यों मानूं भाई मैं, आप मुझे बताओ मैं क्यों मानूं, जो साधु संत इस विषय पे बात ही नहीं कर रहा है, जिन आराध्य का रोज हम भजन कर रहे हैं और उनके बारे में कोई उल्टा सीधा दिखा रहा है। मतलब एक लड़की को कितने गंदे तरीके से पोर्ट्रे करके, कपड़ा गंदा पहना के उनको राधा रानी बना के दिखा रहे हो, और हम सुन लेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ हमें। हाँ, हमने बोला कि साधु संतों को आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। बहुत सारे साधु संतों ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है, बट उनमें से इंद्रेश जी महाराज ने आज कथा व्यास पे बैठ के उन्होंने इस बातों को इतनी निंदा की है, इतनी निंदा की है, बहुत अच्छा लगा देख के। कम से कम कोई तो है जिसने इस विषय पे आवाज उठाई। मैं चाहता हूँ जितने भी कथाकार हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इंद्रेश जी महाराज ने बात कही है यूथ के लिए, अगर आप युवा हो तो आप आगे वाला वीडियो पूरा देख लेना, ध्यान से देखना। अभी कुछ जो हमारे आजकल के लोग हैं ना, कुछ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, अब वो वृंदावन की तरफ रुझान तो रखते हैं, पर रुझान किस लिए रखते हैं, उसमें भी व्यापारी देखते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने वस्त्रों के बेचने के लिए हमारी ब्रज की लीलाओं का भाव रखा। एक विचार करो मन में, हरिराम व्यास जी की एक पंक्ति में, लगभग हर कथा में गाता हूं, और उस पंक्ति में एक बात हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला यानी कि लक्ष्मी को भी किशोरी जी की स्वच्छंद बलैया लेने का अधिकार नहीं है। किशोरी जी भी जब उठ करके चली जाती है तो उनके अंकित चरण रज की बलैया लेती है लक्ष्मी। उन किशोरी जी को आप किस रूप में दिखा रहे हो? और ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा, बिहारी जी विराज रहे, किशोरी जी कहां है, गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही है। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही है। राधा वल्लभ श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही है। जहां किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहां किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो, अच्छा तुम्हें। और केवल वैसे तो कभी लीला सुनी नहीं, वैसे तो कभी कथा सुनी नहीं, वैसे तो वृंदावन भी नहीं आए हैं कभी, किशोरी को जाना नहीं, सखियों को जाना नहीं, उनसे पूछ लिया जाए कि अष्ट सखियों के नाम ही बता दो, नहीं जानते अष्ट सखाओं के नाम ही, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किशोरी जी और ठाकुर जी के भावों को ले रहे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कुछ नहीं कहेंगे, पर ये जो अष्ट सखियां हैं ना, और ये इनके चरणों के सदा दास बने हुए जो नक्षत्र आदि हैं, किसी दिन ये कुंपित हो गए ऐसे मुंह के बल घेरेंगे कि उठ नहीं पाएगा कोई। हमारे वृंदावन में 40-40, 50-50, 60-60 साल व्यतीत कर देते हैं महापुरुष, मधुकरी पाते हैं, यमुना जल में स्नान करते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो फिर भी भोर में मंगला करने के लिए जाते हैं, इतना शुद्ध भाव ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रति रखते हैं, तब भी जाकर के राधा तत्व को पहचान नहीं पाते। और आप लोग कभी कथा नहीं सुनते, कभी लीलाएं नहीं जानते, कभी वृंदावन नहीं आए, और सीधे केवल अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं। जितने भी युवा श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े, बड़े बूढ़ों को हम तंग नहीं कर रहे, युवाओं से कह रहे हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, जितने वृंदावन के भाव से जुड़े हैं, वृंदावन का प्रसाद एक बार भी जुवा पर धारण किया है, किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं, उर्ध्वपुंड ब्रजरज अपने माथे से लगाते हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, आपका नाम जप, आपका व्रत, आपकी एकादशी, आपका वृंदावन आगमन सब व्यर्थ हो जाएगा यदि इसका विरोध नहीं किया। किशोरी जी के भाव में सब लोग आगे। देखा आपने महाराज जी कैसे यूथ को बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यूथ से ही परिवर्तन आएगा। एक छोटी सी वीडियो बनी, छोटी सी स्टोरी लगी, और आज देखो सोशल मीडिया पे आग लगी। कोई भी सनातन धर्म का मजाक उड़ाए, आपके देवी देवताओं का, भगवान का अगर कोई मजाक उड़ाए, आप कैसे सह लेते हो, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, मुझसे नहीं होता। इसलिए हमने आवाज उठाई और आज आवाज का असर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा अगर आज आपने इस विषय पे अभी तक आवाज नहीं उठाई है, उठाओ। कोई अगर RSS का बंदा हो, कोई अगर मतलब किसी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, मैं चाहता हूँ कि उनके यहाँ पे ना धरना प्रदर्शन होना चाहिए, उनके क्लॉथिंग ब्रांड, उनका जो शॉप होगा, दिल्ली में ही उनका शॉप है, वहाँ पे जाके प्रदर्शन होना चाहिए। तमन्ना भाटिया करके कोई तो हीरोइन है, उनको राधा रानी बनाया, उनके पैर
पैरों पे, चरण बोल रहा हूँ, उनके पैरों पे राधा रानी का पूरा चरण चिन्ह है, वो उस पे डेकोरेट किया। क्या नॉनसेंस है, ऐसे कर सकते हो आप? आप देख रहे हो महाराज जी, सारे लोग कितना देवी देवता तक भी राधा रानी का बखान नहीं कर पाते, और ये लोग इतने गंदे तरीके से तोड़ते कर रहे हैं। मेरा आप लोग से निवेदन है, छोटा सा स्टैंड लेते हैं, छोटा सी आवाज उठाते हैं, आवाज का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। हम छोटे मोटे, मैं तो कोई भी नहीं जानता, छोटा सा आवाज उठाया, आज देख रहे हो परिवर्तन, लोग आके बोल रहे हैं। मैं सारे जहाज स्पीड पे बैठे हुए जितने भी महाराज है, सारे लोग से निवेदन करता हूँ, अगर उनके पास ये वीडियो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को आप ना भेजो, लोगों को भेजो, लोगों को बताओ कि भाई आवाज उठाना जरूरी है। अगर आज नहीं आवाज उठाया ना, आज इन्होंने ऐसा दिखाया ना, आने वाले समय में यही लोग हमारे देवी देवताओं को ना एक गंदे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। मैं और आप हाथ पे हाथ रखे ऐसे बैठे रह जाएंगे। नाउ इट्स परफेक्ट टाइम टू रेज योर वॉइस, आगे बढ़ो, सनातन धर्म की रक्षा मेरे और आपके हाथ में। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार बैठे रहते ना चुपचाप, हमें ये सब करने की जरूरत थोड़ी है। अरे तो भैया कर क्या रहे हो, करना क्या है? किसी ने मुझे कहा कि अरे भैया आपको वृंदावन वास मिला चुपचाप बैठ रहे हो, भैया मुझे वो नहीं चाहिए। कोई भी बोलते ना राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा जीवन है मरण गति अरुण है मेरा, राधा कृष्ण अगर मेरे प्राण है तो अगर कोई मेरे प्राण के खिलाफ थोड़ी भी आवाज चीचा पकारेगा मैं उस पे आवाज उठाऊंगा। अगर आपको नहीं उठाना है आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, आपसे कैसे हो जाता है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। कल का कोई वही राधा कृष्ण को गलत तरीके से पोर्ट्रे करेगा, इंस्टाग्राम रील देख के लोग ज्ञान ले रहे हैं, वाओ शेम ऑन यू शेम ऑन मी। हद तो गई यार, देखा महाराज जी ने कितनी अच्छी बातें की, यार हमें उठना चाहिए, हम सब यूथ को आगे आना चाहिए। वीडियो को आप ना इस वीडियो को मत भेजो, मैं नहीं चाहता मेरे वीडियो पे लाख व्यूज आए, मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपना वीडियो बनाओ, आप खुद जाओ अब बताओ लोगों को। भले आप बोलोगे मेरे तो सिर्फ 5 ही फॉलोवर है, मैं कैसे आवाज उठाऊं, आवाज तो है, आवाज तो उठाओ, जाके बोलो, मेल लिखो उनको, सरकारी कोई तो व्यक्ति होगा जो सरकार तक इस बात को पहुंचा सकता है, कोई कुछ तो बोल सकता है। अगर आज हमने इस आवाज नहीं उठाई ना, कल का लोग गंदे तरीके से राधा रानी और कृष्ण को पोर्ट्रे करेंगे, मैं और आप धरे के धरे रह जाएंगे। ये सही समय है आवाज उठाने का। मैं हृदय से इंद्रेश जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि महाराज जी ने इस पे आवाज उठाई, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी महाराज जी हैं जिनको हम सुनते हैं, अगर कोई महाराज आवाज नहीं उठा रहा ना, मैं उन महाराज को सुनूंगा नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि अगर ये आज नहीं बोले ना, अगर आज ये नहीं बंद हुआ ना, तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हम बैठे बैठे देखते रहेंगे। कथा व्यास में बैठ के बोलेंगे, उनकी बातों से लाखों का परिवर्तन होगा, और होगा कि नहीं होगा आप खुद बताओ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, इसलिए मैं छोटा सा स्टैंड ले रहा हूँ, मैं अपने जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं आवाज उठा रहा हूँ, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। आप भी इन सारे सोशल मीडिया का माध्यम उठाओ और जाके उनको बैन करो, उनको रिपोर्ट मार, उनका यूट्यूब चैनल होगा, उनका फेसबुक चैनल होगा, उनका इंस्टाग्राम चैनल होगा, सारे जगह पे टूट पड़ो। कोई आपके माता पिता को कुछ बोलेगा ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे क्या? नहीं ना, तो ठाकुर जी हमारे माता पिता है या नहीं, आप नहीं मानते तो आपका दुर्भाग्य है, मैं मानता हूँ, मैं आवाज उठाऊंगा। हरे कृष्ण।